हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं सुरक्षा संकेत के बारे में। जो विभिन्न उद्योग होते हैं, कारखाने होते हैं, कंपनियां होती है, वहाँ पे काम करते हैं, तो सबसे पहले उनको सुरक्षा सावधानी के बारे में बताया जाता है। तो सुरक्षा सावधानी कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की होती है। नंबर एक, निषेधात्मक संकेत। नंबर दो, आदेशात्मक संकेत या व्यक्तिगत संकेत। और नंबर तीन, सुरक्षात्मक संकेत। नंबर चार, चेतावनी संकेत। अब इनको क्या होता है, इनको चारों को अलग अलग डिवाइस के अंदर अलग अलग तरीके से बताया गया है। जैसे निषेधात्मक संकेत होता है, तो इसको क्या करते हैं, इन्हें किस प्रकार दर्शाया जाता है, ये एक गोल आकृति होती है, वृत्ताकार, उसके अंदर एक बॉर्डर दिया रहता है। ये बॉर्डर के अंदर क्या होता है, इसकी बाहरी बॉर्डर और ये क्रॉस वाला होता है, ये रेड कलर का होता है। और जो इसमें सिंबल दिया होता है, इसमें ये ब्लैक कलर का होता है, और ये जो इसका अंदर का भाग है ये सफ़ेद होता है। तो इनको किस बारे में बताते हैं, इसकी आकृति तो गोलाकार होती है, ये चिन्ह गलत कार्यों के लिए मनाही का संकेत देते हैं, जैसे कहीं लिखा होता है सिगरेट नहीं पीना है, ठीक है, तो कई प्रकार के होते हैं। क्रॉस का चिन्ह दिया रहता है रेड कलर का। और नंबर दो है आदेशात्मक या व्यक्तिगत संकेत, जो इसका आकार भी क्या होता है, गोलाकार होता है, इसी का आकार गोलाकार होता है, लेकिन इसके अंदर बाहर ये बॉर्डर नहीं दिया रहता है। और जो इसके अंदर सिंबल दिया रहता है, ये क्या होता है, नीला कलर का दिया रहता है, और ये सफ़ेद जो इसका नीला कलर, ये बाहरी बॉर्डर का है ना एरिया, इसको क्या है, नीला कलर का इसका चिन्ह होता है, वो सफ़ेद ही रहता है, ठीक है। और इसके अंदर जैसे कहीं ग्लेंडर होता है, ग्लेंडर पे सबसे पहले क्या कार्य करते हैं, कार्य करने से पहले बॉगल्स पहनते हैं, बॉगल्स पहनने के बाद में हैंड ग्लव्स होते हैं, उनका यूज़ करते हैं, उसके बाद में ड्रिल मशीन होता है, ग्लेंडर का उसका यूज़ में लेते हैं। और कहीं ऊपर कार्य करते हैं तो ऊपर से कुछ ना गिरे, इसलिए क्या करते हैं, सिर के ऊपर केप पहनते हैं। और मास्क तो वैसे ही अनिवार्य हो ही गया है, तो मास्क का भी यूज़ करना चाहिए, जहाँ ज़्यादा डस्ट होती है तो वहाँ भी मास्क पहनना चाहिए। तो वो एक आदेशात्मक चिन्ह होता है, जिस प्रकार ये एक गोल वृत्त है, गोल वृत्त के अंदर क्या होता है, जैसे इसमें दिया है शूज दिया हुआ है, जूता पहनना अनिवार्य है, तो इसमें इसकी आकृति गोल होती है, जो इसके अंदर जो सिंबल है, जो शूज है, जिसे बूट बोलते हैं, तो वो क्या होता है, ये सफ़ेद कलर का होता है, और ये नीली इसकी बाहरी होती है, ठीक है। जैसे इसमें कैप है, कैप दिया रहता है, इसमें कैप पहनना अनिवार्य है। नंबर तीन, सूचनात्मक संकेत। कहीं भी हम जाते हैं तो सपोज कीजिए कि कॉलेज जाना है, हमें कॉलेज जाते हैं और हमें किससे मिलना है, प्रिंसिपल सर से मिलना है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग बोर्ड लगे रहते हैं, तो वहाँ पर प्रिंसिपल सर का एरर किस तरफ दिखाई दे रहा है, तो उस तरफ हम जाते हैं और बिना किसी से पूछे ही हम अनुमति लेके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कहीं सिंबल लिखे होते हैं, इमरजेंसी के लिए भी होते हैं, एग्जस्ट बाहर यानी गेट कौन सा है, तो उसके बारे में भी इस प्रकार के सिंबल होते हैं, ये हरा रंग का होता है, इसका बाहर ये हरा कलर होता है, और ये एकदम वाइट ही रहता है, इसकी आकृति वृत्ताकार होती है, और सूचना देने के लिए जैसे, और एक और इसके अंदर आता है रेड कलर का क्रॉस दिए रहते हैं, और संकेत होता है वो सफ़ेद ही रहता है। तो फर्स्ट एड अवेलेबल, यानी यहाँ पे हॉस्पिटल आसपास में है, या ये हॉस्पिटल है, इसके बारे में दर्शाया जाता है। नंबर चार, चेतावनी संकेत। चेतावनी संकेत का मतलब हुआ, कहीं भी हम जो कार्य कर रहे हैं वहाँ पे अलग अलग साइन बोर्ड दिए रहते हैं, जैसे इसका आकार के आधार पर है, इसका त्रिभुज आकार के आधार पर है, तो ये आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं। जैसे कहीं है इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड होता है, तो वहाँ पे ये इस प्रकार का सिग्नल दिखाई देता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट का हो सकता है, या डेंजर का दिया रहता है, ट्रांसफार्मर है वहाँ आसपास में, तो वहाँ पे इस प्रकार रहता है, और गोल आकृति में इस प्रकार दिया रहता है, यहाँ पे ये डेंजर का निशान दिया रहता है। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना
और शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।